नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। पेंटिकल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, पेंटिकल स्टैंड करता है मनी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, और पेंटिकल का जो एलिमेंट है वो अर्थ है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, फाइनेंसेस के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको हम पेंटिकल के साथ कनेक्ट करते हैं, और पेंटिकल को हम हेल्थ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और पेंटिकल हमारी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी स्टैंड करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एक पेंटिकल के कार्ड के बारे में, और वो कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स अगर आप देखेंगे नंबर, सिक्स स्टैंड करता है लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक कनेक्शन के लिए, और पेंटिकल जो है वो वेल्थ के लिए स्टैंड करता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इस कार्ड की ये खास बात है कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ये आपको मीनिंग बता रहा है। इसमें हम तीन फिगर्स देख रहे हैं, और इन तीनों फिगर्स में आप कौन हैं ये आपको देखना है, क्योंकि जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो इट्स नॉट प्रीफिक्स कि दैट यू आर लाइक अ सर्टन फिगर, यू विल हैव टू सी विच फिगर इज़ यू। तो कार्ड के पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं। तो कार्ड के पिक्चोरियल मीनिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसके हाथ में स्केल है और दूसरे हाथ में वो एक बेगर को या फिर एक नीडी को कॉइन्स दे रहा है, और दूसरी तरफ एक बेगर जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको भी मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल इस कार्ड का जो देखेंगे, जो मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है द कार्ड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। एंड इसको ज़्यादातर हम जो हैं कार्ड ऑफ चैरिटी भी बोलते हैं, जो कि एक्चुअली में मैं एग्री नहीं करता, जिसके बारे में मैं आपको और बात करूँगा। तो जब भी ये कार्ड आएगा आपको ये अपने आप से पूछना है, क्या आप ये गिवर हैं जो कि कॉइन्स दे रहा है, या रिसीवर हैं जिसको कार्ड, जिसको जो है ये कॉइन्स मिल रहे हैं, या फिर वो तीसरा आदमी जो है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको भी कुछ मिलेगा। फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यू आर, इट कुड बी लाइक यू आर आस्किंग फॉर अ लोन फ्रॉम समवन, और यू कुड बी इन अ पोजिशन वेयर यू आर गिविंग लोन टू समवन। एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको डोमिनेट किया जा रहा है, आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जो कि कार्ड का जो है एक वाइब बनती है अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा ये कार्ड का मीनिंग नहीं आता। एंड अब हम इसको, मैं बात करूंगा कि इसको हम ज़्यादातर बोलते हैं कि ये कार्ड ऑफ चैरिटी है। कार्ड ऑफ चैरिटी से मैं इसलिए नहीं एग्री करता, क्योंकि अगर गिविंग का अगर भाव होगा तो उसमें एक सेल्फलेस गिविंग होती है, उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आदमी जो है ही नीड्स अ रिकॉग्निशन, ही इज़ ट्राइंग टू से यू नो लाइक रिकोगनाइज मी, आई एम गिविंग यू समथिंग। तो जो मैं देखता हूँ इस कार्ड में जो कि दिखता है वो ये कि एक आदमी जो कि एक नीडी को जो है कॉइन्स दे रहा है, या फिर इन सम वे इट इज़ हेल्पिंग, बट उसकी वर्थ को देखते हुए, और साथ में उसके हाथ में स्केल है, तो ट्रांसेक्शन जो है वो पूरा का पूरा उसको जो है ही इज़ लाइक रिकॉर्डिंग ऑल दिस यू नो। तो अगर वो देख रहा है कि अगर वो भिखारी को भी दे रहा है, अगर उसको भिखारी को जो है उसको पैसे चाहे ना वापस दे सके, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मांग रहा है उस भिखारी से कि रिकॉग्निशन, कि ये भिखारी इसको, कि इस आदमी को रिकॉग्नाइज करे कि उसने उसको ये दिया। और अब साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो मुझे समझ में आता है, जो आप एग्री भी करेंगे कि जो बेगिंग है वो भी कहीं ना कहीं झूठ है। इस सीन में जो आप बेग कर रहे हैं वो बेगिंग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए है। इन ट्रू सेंस यू आर नॉट रियली यू नो बेगिंग, बिकॉज आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आपका काम निकल जाए, और आपने इस बेगिंग से उस आदमी को भी जो है एक धोखा दिया, और अपने आप को भी धोखा दिया। क्योंकि अगर हम रियल बात करेंगे बेगिंग की और ट्रू गिविंग की, तो ट्रू बेगिंग इज समथिंग विच हैज़ बीन गिवन बाय बुद्धा। बुद्धा ने अपने जो है सन्यासी को बोला भिक्षु, और
और बुद्ध के भिखारी जो हैं वो पैसे नहीं मांगते, वो तो सीधा भगवान को मांग लेते हैं। यही तो बुद्ध ने जो है रियलाइज़ किया कि वंस यू एक्चुअली बेग टोटली, व्हेन यू ओपन योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस विल गिव यू गॉड, वो आपको गॉड दे देगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें क्या मांगते हो, सीधा गॉड मांग लो। दिस इज़ व्हाट द बुद्धा सेज। मेरी नज़र में एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कार्ड है। इट्स नॉट जस्ट वेरी स्ट्रेट मीनिंग, इट इज़ जस्ट नॉट ट्राइंग टेल यू लाइक दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। और ज़्यादातर हम जो हैं, क्योंकि बुक्स में देखते हैं, बाकी जो टैरो की बुक्स में जो इंटरप्रिटेशन आता है वो बहुत सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि आपको जो है, और ज़्यादातर आपको जो है ये गिवर की पोजीशन दे दी जाती है कि दैट यू आर गिविंग, दैट यू आर एट अ गिविंग एंड, इट्स अ कार्ड ऑफ गिविंग, इट्स अ कार्ड ऑफ चैरिटी। लेकिन आप ये कि भूल जाते हैं कि साथ में ये दो फिगर भी हैं, इनका क्या होगा? आप ये भी तो हो सकते हैं, आप सिर्फ गिवर ही क्यों, आप ये भी तो हो सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू आस्क। तो जब भी आपकी आपकी टैरो रीडिंग के अंदर ये कार्ड आता है तो आपको ये सवाल पूछना है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्हाट इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट दिस कार्ड इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ये कार्ड आपसे क्या बात करना चाह रहा है, कार्ड आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। टैरो कार्ड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, वो आपसे बहुत बारी जो है कुछ ऐसी बातें करेगा जो कि आपको डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएंगी और बहुत ही आपको अटपटा लगेगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ये लगेगा कि अरे इसका तो कोई रिजेंबलेंस नहीं है, इसका कोई इस सिचुएशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वाई दिस कार्ड इज़ कमिंग अप। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड टैरो इज़ कमिंग फ्रॉम योर डीप सबकॉन्शियस। उस सबकॉन्शियस से जो कार्ड्स आपके आ रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ मैसेज। और वो मैसेज अगर हम रीड कर लें तो आवर लाइफ कैन बी वेरी ब्यूटिफुल, आवर लाइफ कैन बी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी एक उन्हीं में से एक कार्ड है जिसका जो है जब भी आपकी रीडिंग में है आपको उसको रियलाइज करना है, उसको एनालाइज करना है और उसको देखना है कि ये कैसे आपके ऊपर फिट बैठेगा और आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वॉज माई इंटरप्रिटेशन फॉर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।